हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल फॉरेस्ट फेरी। आज वर्कआउट ख़त्म करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट पार्टी में। एक आंटी का एनिवर्सरी है, उनके तरफ से पार्टी है। आज चीट डे है, सब चलेगा। हाँ हाँ हाँ, सब चलेगा। वर्षा दी भी आज खा ली क्या? वर्षा हम डेली खा रहे यार, बटर बटर के साथ। हाँ तो आज एनिवर्सरी इतनी पहले आएगी नहीं, सबको इनका पहले आएगा। आप स्टार्ट कर दीजिए, उसके स्टाफ को बोल देंगे ना, सारा रोटा आने दे, ठीक है ना? तुम तेरा भी ले ले। घी नहीं लाए आप? आप घी नहीं लाए? सांभर की जगह घी मेडम बोले, हम उठा नहीं पा रही थी ये 5 kg। पता है एक ही बार सबका वहाँ बना के एक ही बार ला देता ना तो सही होता। टेबल्स लगा लो ना, एक तो टेबल। हाँ हाँ, रखो उपमा ले लो, सब कोई रखो रखो। अच्छा कहाँ गई लवली दी? अच्छा अरे मेरी इडली का भी, मेरा भी दो आ गया। हाँ आइए ना, आप काहे खाए पहले? मुझे लगा सब शुरू कर रहे हैं। ये लवली थी, छोटी प्लेट अच्छी नहीं लग रही उसमें। नहीं नहीं लगेगी ना, हम बोलेंगे ये लोग जिम वाली है, देखो कितना अच्छा था। हम लोग देखो पूरा खा रहे हैं, हम लोग 1 week से खाए नहीं थे, ये लोग खाई थी इसीलिए। रुके रुके रुके, फोटो लेंगे। हाँ ये फॉर्मेट फूड है। चाय के बिना अधूरा था हमारा पार्टी। फिर हम लोग चल गए चाय पीने के लिए, और यहाँ का फेमस चाय यहाँ पे मिलता है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। मैं तो कभी भी नहीं गई हूँ, आंटी लोग गई हुई है इसलिए लेके जा रही, तो मैं सोची कि आज थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ यहाँ का चाय। तो फिर हम लोग चाय पीने पहुँच गए। लगा तो नहीं? ओके, गुड वाला है, सबका गुड वाला है। देखिए फिर आपका मैं हाफ आएगा फोटो जोन में। रुकिए, हम लोग को कॉफी नहीं आया ना? हाँ चलिए कॉफी है हम लोग को। किसका है? बाहर में भी किसी को कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। हम लोग थोड़ा रखते हैं। आंटी को देखो भाई, चलेंगे लेके आई नीचे, आंटी को भेजवाई। देखिए मेरा कितना अच्छा दिख रहा है, कॉफी है भाई। कॉफी है, कॉफी है। आज टाइम निकाल के मैं चल गई गैस भरवाने के लिए। मेरा 1/2 kg गैस ऑलरेडी था, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कहीं बीच में ख़त्म हो जाएगा तो फिर खाना कैसे कंप्लीट बना पाऊँगी, इसीलिए मैं इतना दिन से नहीं बना रही थी और बाहर ही खा रही थी। 1 week से ज़्यादा हो गया था मैं बाहर का ही खाना खा रही थी, और अब मुझे बिल्कुल भी बाहर का खाने का मन नहीं कर रहा। मुझे नॉर्मल चावल दाल खाने का मन कर रहा है, इसीलिए मैं सोची कि गैस भरवा लेती हूँ। और मेरा सिलेंडर बहुत ही जंक लग गया था, क्योंकि इसको बीच में मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही थी, 2 month ऐसे ही रखा पड़ा हुआ था।
था, और जब खाना बनाती हूँ तो गिर जाता है पानी, जिससे बहुत ही ज़्यादा पेंट वगैरह पूरा छूट गया था। तो मैं इसको पेंट करवाने वाली थी, लेकिन वहाँ पे पेंट नहीं होता है, तो अंकल थोड़ा सा क्लीन कर दिए और मैं क्लीन करके उसको ले आई। और फिर उसके बाद मैं चल गई अपना कुकर बनवाने के लिए, क्योंकि प्रेशर नहीं बन पा रहा था, जिससे खाना बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो मैं सोची कि इसको भी आज बनवा लेती हूँ, क्योंकि आज जब टाइम दूसरा जगह में लगा दी तो इसको भी कंप्लीट कर देती हूँ ये काम करने का सोची। फिर मैं चल गई इसको बनवाने के लिए, और आज मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ, मैं अपना जितना भी पेंडिंग काम था उसको पूरा कंप्लीट कर ली, और अब से मैं आराम से खाना बना पाऊँगी, क्योंकि प्रेशर कुकर में जल्दी से बन जाता है मेरा सारा खाना, तो प्रॉब्लम नहीं होता है, वरना 2 से 3 घंटा लग जाता खाना बनाने के लिए। तो आज प्रेशर कुकर बनवा ले रही हूँ, तो आज से जल्दी मेरा खाना बन जाएगा और सारा काम जल्दी जल्दी से मैं कर पाऊँगी। और फिर मैं चल गई सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि इतना दिन से मेरा गैस नहीं था, तो मैं सब्ज़ी कुछ भी नहीं ली थी और खाना भी नहीं बना रही थी, तो मैं ले ली आज सब्ज़ी। सब्ज़ी मार्केटिंग करना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और फ्रेश सब्ज़ी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि सब कुछ मैं ले लूँ। और आंवला मुझे दिखा तो मैं सोची कि आज आंवला ले लूँगी, और आंवला जूस मैं बना के नहीं पी सकती, तो मैं सोची कि इसको ड्राई करके रख दूँगी और रोज़ थोड़ा थोड़ा मैं आंवला लूँगी, क्योंकि आंवला इस सीज़न में बहुत अच्छा मिलता है, बाकी टाइम उतना अच्छा नहीं मिलता है। तो मैं बहुत सारे ले ली, और बाकी सब्ज़ी देख के मुझे लग रहा कि सब कुछ मैं ले लूँगी, तो मैं थोड़ा बहुत ले ली सब्ज़ी। रूम आते ही मैं अपना सिलेंडर निकाली और क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि अंकल उतना अच्छा से क्लीन नहीं किए थे, तो मैं इसको अच्छा से क्लीन कर रही हूँ। और मैं सोची कि इसको थोड़ा सा पेंट कर दूँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फेड हो गया है, तो इसलिए पहले मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, फिर उसके बाद पेंट करूँगी। और मैं कन्फ्यूज़ हो गई थी कि अभी पेंट करूँ कि बाद में करूँ, क्योंकि मेरा लाइब्रेरी का टाइम भी हो गया है, तो मैं अभी ही करने का सोची, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, तो उस टाइम मन नहीं करेगा और काम पेंडिंग रह जाएगा, इसलिए मैं सोची कि आज ही कर देती हूँ, क्योंकि आज मैं लंच नहीं करने वाली हूँ, डिनर का पता नहीं, तो इस टाइम मैं सोच रही हूँ कि कर देती हूँ कलर, क्योंकि अभी यूज़ नहीं होगा सिलेंडर, इसलिए मैं सोच रही कि अभी कर देती हूँ। और अभी सूरज को रोशनी भी बहुत अच्छा से यहाँ पे आ रहा है, तो अच्छा से मैं देख के धीरे धीरे कर दूँगी, क्योंकि रात के टाइम यहाँ पे लाइट ऑन नहीं रहता है, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा करने में, इसलिए मैं सोची कि अभी ही कर देती हूँ। मुझे पेंट करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ड्राइंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे ड्राइंग करने आता ही नहीं है, और मुझे कभी मन भी नहीं किया कि मैं ड्राइंग बनाऊं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, और मैं जब ड्राइंग बनाती हूं तो लगता है कि दोबारा मैं बनाऊं भी नहीं, इतना बेकार मैं ड्राइंग बनाती हूं, मेरा ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और पेंट करते टाइम मुझे दिवाली का याद आ गया, क्योंकि दिवाली के टाइम मैं पूरा घर का जितना भी डोर है उसको मैं ही कंप्लीट करती हूँ पेंट करके, और रात का 2-3 बजे तक मैं पेंट करते रहती हूँ, और आज मैं कर रही हूँ तो मुझे दिवाली का याद आ गया। और पेंट का जो स्मेल है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है और उसमें मेरा सर्दी हो जाता है, इसलिए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और आज मैं लंच नहीं की, सुबह में मैं डोसा खाई थी, तो बहुत ही ज़्यादा हेवी लग रहा अभी भी, बट मैं सोची कि लाइब्रेरी में मुझे भूख लग जाएगा, इसलिए मैं एक कुकीज़ निकाली जो मैं PM मॉल से ली थी, शुगर फ्री कुकीज़, उसको मैं निकाली और मैं सोची खाऊंगी, लेकिन मुझे खाने का मन नहीं कर रहा है, पर मैं खा ली क्योंकि लाइब्रेरी में मुझे भूख लग जाएगा, ये सोच के मैं खा ली, और टेस्टी है बट कुकीज़ मेरा। फिर उसके बाद मैं निकलते टाइम एक आंवला निकाल ली, क्योंकि अब आंवला खा लूँगी, रात हो जाएगा तो फिर आंवला नहीं खाऊँगी, क्योंकि उस टाइम सर्दी वगैरह लग जाएगा, इसलिए मैं सोची कि आंवला अभी खाते खाते मैं चल जाऊँगी लाइब्रेरी, तो मैं उसको बहुत अच्छे से वॉश की, फिर उसके बाद ही खाऊँगी। फ़र्स्ट टाइम मैं आज आंवला खा के कंप्लीट की, वरना मैं कभी भी आंवला नहीं खा पाती, हमेशा जूस बना के उसको पीती हूँ, लेकिन आज मैं आंवला कंप्लीट खाई तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आज मैं खा पाई, और बहुत ही टेस्टी था आज वाला आंवला। फिर लाइब्रेरी के बाद हम लोग चल गए थोड़ा सा स्नैक्स लेने के लिए, और मैं यहीं से स्नैक्स लेती हूँ, यहाँ से मैं हमेशा बादाम और चना लेती हूँ, तो आज मैं लेने आ गई बादाम और चना, और मुझे घर के लिए भी कुछ भिजवाना है, और दीदी को यहाँ का सारा स्नैक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आता, तो मैं दीदी के लिए भी थोड़ा बहुत लेने आ गई यहाँ पर।
लाइब्रेरी से आने के बाद मैं अभी रेगुलर छत आ रही हूँ और इस टाइम इतना ज़्यादा ठंडा हवा चलते रहा था, बहुत ही ज़्यादा ठंडा लगता है। आज बादल किया है तो उतना ज़्यादा ठंडा नहीं लग रहा है, आज नॉर्मल है लेकिन हवा चल रहा है। और मैं इसलिए छत आती हूँ रोज़ क्योंकि मुझे वीडियो एडिट करना होता है, और अभी रूम में मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि सारे रूममेट्स अभी रूम में रहते हैं, तो मुझे ऑडियो रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि बाकी जितने भी रूममेट हैं उनका भी वॉइस मेरा में रिकॉर्डिंग हो जाता है, जिसके वजह से थोड़ा सा मुझे ऑडियो रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं छत आती हूँ और छत में इस टाइम छत खाली रहता है तो आराम से मैं कर लेती हूँ, जितना भी मुझे अपना वॉइस रिकॉर्ड करना होता है वो कर लेती हूँ। फिर उसके बाद भी थोड़ा सा एडिट करना पड़ता है, वो एडिट करके फिर वीडियो सेव करती हूँ, फिर उसके बाद अपलोड करती हूँ, जिसमें मुझे टाइम लग जाता है। और मेरा प्रश्न मैं वाईफाई लगवाई हूँ यहाँ पे तो उतना दिक्कत नहीं होता। पहले मेरा एक ब्लॉग अपलोड करने में 2 दिन लग जाता था, इसलिए पहले मेरा कंटिन्यू ब्लॉग नहीं आता था, 1 दिन 2 दिन बाद आता था क्योंकि उस टाइम मेरा पास वाईफाई नहीं था तो इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन अब नहीं है, आराम से मैं कर लेती हूँ। तो मुझे अपलोड करने में 30 मिनट्स लग जाते हैं, फिर उसके बाद ब्लॉग आ जाता है। तो अब मैं छत में आके अपना जितना भी एडिट वाला काम करती हूँ तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही ईजी से मैं कर पाती हूँ। अभी मुझे एडिट करने में 1 घंटा लग जाता है, पहले मुझे 2 से 2.5 घंटा लग जाता था क्योंकि मेरा जो हॉस्टल है वो रोड के सामने ही है तो गाड़ी हमेशा चलते रहता तो बहुत ही आवाज़ आता है, जिसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था। अब आता है लेकिन कम आता है, पहले बहुत ही ज़्यादा मेरा वीडियो में गाड़ी का आवाज़ आता था, अभी कम आता है। और अभी मेरा जितना एडिट करना था वो सारा हो गया है और अब थोड़ा ठंडा हवा भी चल रहा है तो अब मैं नीचे चल जाऊंगी क्योंकि तबीयत फिर ख़राब हो सकता है, क्योंकि मेरा लास्ट मंथ भी ऐसे ही मौसम था और ऐसे ही मौसम में बहुत ही ज़्यादा मैं बीमार हो गई थी। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे और मेरा कंप्लीट हो गया जितना भी मुझे एडिट करना था। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, एंड आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू।